और अब पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दक्षिण कोलकाता में बन रही एक इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में दो लोगों की मौत की खबर है। मेटिया ब्रिज में बन रही एक 5 मंजिला इमारत ढहते ही मौके पर बचाव दल पहुंचा और रेस्क्यू टीम ने अब तक 14 लोगों को बाहर निकाल लिया है। हादसे की जगह पर पुलिस के कई आला अधिकारी भी मौजूद बताए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दक्षिण कोलकाता में ये हादसा हुआ है। रेस्क्यू टीम ने यहाँ से 14 लोगों को बाहर निकाला है और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं कोलकाता से। समीर मंडल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। समीर, इस वक्त क्या अपडेट मिल रही है इस हादसे को लेकर, कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है? देखिए पूजा जी, ये जो गार्ड कलकत्ता का गार्डन डीज दक्षिण कलकत्ता जो है, यहाँ पर 134 का जो कलकत्ता कॉर्पोरेशन का जो है, यहाँ पर जो जब घनो बस्ती है वहाँ पर क्या हुआ है, जो कल रात में जब आचमकई जो 5 तला बिल्डिंग जो नया बिल्डिंग बन रहा था, उस बिल्डिंग से आचमकई ऐसे ही गिर चुका है। गिरने के बाद ही जो सामने जो बस्ती था, जो दार जो छोटा छोटा घर था, उस घर में क्या पूरा बिल्डिंग टूट के उस घर में चला गया। जो बिल्डिंग अनलीगल है बोल के कॉर्पोरेशन का जो हम लोग को यहाँ का मेयर है बॉबी हकीम, वो भी बोला है हम देख रहे हैं कोशिश कर रहे हैं क्या हुआ था। अभी जो फिलहाल जो 2 आदमी का मौत हो गया और कुछ आदमी जो घायल हुआ है उसको सब सामने ही एक नर्सिंग होम है वहाँ पर लेके गया है, वहाँ पर रखा हुआ है, जो थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके किसी को छोड़ दे रहा है, किसी भी अभी भी है। और रेस्क्यूज करने के लिए अभी भी जो हम लोग को रेस्क्यू करने के लिए पुलिस एवं जो कलकत्ता का कॉर्पोरेशन का जो आदमी और जो विपर्जय मुकाबला जो दल है वहाँ का अभी भी इसको करने के लिए कोशिश के लगा हुआ है, अभी भी चल रहा है कोशिश करने के लिए जो कोई आदमी वहाँ पर फंसा हुआ कि नहीं है उसको निकलने के लिए कोशिश कर रहा है। बताइए कि ये हादसा किस वक्त हुआ और अगर मुमकिन हो तो वहाँ की तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुँचाइए। देखिए जो पूजा जी आप जो बोल रहे हैं, जो रात 11:30-12 बजे तक हुआ है, जो जब हुआ है तभी वहाँ का आदमी लोग सो रहा था, फिर उस टाइम आचमकई ऐसे बिल्डिंग टूट गया, टूटने के बाद ही ये धमाका होने के बाद ऐसे ही फिर वहाँ पर अभी जो मेयर साहब निकलेगा और जो जहाँ पर घटना हुआ है वहाँ पर कोई संवाद माध्यम को अंदर जाने के लिए मना कर दिया और जाना नहीं दे रहा है। अभी भी देखिए मेयर साहब आया है, मेयर साहब के साथ बात कर रहा है, देखिए यदि मिलेगा तो अच्छा होगा। समीर ये बताइएगा, क्या वो जैसा कि वहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये एक रिहायशी इलाका है, तो क्या जो हादसा हुआ, जो बिल्डिंग ढही, तो उसके आसपास की बिल्डिंगों को भी क्या कोई नुकसान पहुंचा है इस दौरान? जो बगल में जो बिल्डिंग है वो जो बिल्डिंग टूट गया है, वो बिल्डिंग का जो बगल में जो बिल्डिंग है वो भी टूटने वाला है, उसका जो वो तो घायल तो हुआ ही है, जो अगल बगल में जो बिल्डिंग है उसका भी क्षति हुआ है और जो छोटा छोटा जो घर था पूरा टूट गया है, उसको रेस्क्यू करने के लिए अभी भी कोशिश कर रहा है। मंत्री भी है, जो मेयर कलकत्ता का मेयर भी खुद है, फायर ब्रिगेड मंत्री वो भी खुद है, दोनों मिल के एवं जो यहाँ का जो आदमी लोग है सब मिल के कोशिश कर रहा है जो निकलने के लिए। ठीक है समीर, ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन मेयर क्या जानकारी दे रहे हैं इस वक्त, मेयर की तरफ से क्या कोई अपडेट साझा की गई है इस मामले को लेकर? देखिए सुबह जब मेयर आया था तभी मेयर बोला था जब कोशिश कर रहा है, अभी जो यहाँ पर जो नर्सिंग होम है वहाँ पर गया था, जो आदमी अभी फिलहाल जिसको भर्ती है उसको भी देखभाल किया, एवं जहाँ पर घटनास्थल में मेयर खुद खड़ा है, मेयर कोशिश कर रहा है जितना जल्दी है कोई भी उसका अंदर रहेगा तो मेयर निकलने के लिए कोशिश कर रहा है, मेयर के साथ और सब आदमी है सब निकलने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है समीर, आप इस खबर पर अपनी नज़र बनाए रखिएगा, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। तो कोलकाता से हमारे सहयोगी ये तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मेयर खुद वहाँ पर पहुँचे हैं, रेस्क्यू टीम की कोशिश यही है कि अगर कोई अभी मलबे में दबा हो तो उसे जल्द से जल्द निकाला जा सके।